हेलो गैस, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। जैसे कि आप देख सकते हैं, अभी मैं पहुंच चुका हूं जसवाल ब्रिज करोल में। तो आपको पता ही होगा गाइस, मेरे पीछे जो ब्रिज बन रहा है, ये काफ़ी टाइम से बन रहा है, 3 से 4 साल लगा हुआ है काम। लेकिन अभी जो ब्रिज पे मैं खड़ा हूं, ये गैमन बना रही है, जो गैमन एक कंपनी है। और आपको एक चीज़ मैं बता दूं, अभी जो ये ब्रिज है, पहले पुराना ब्रिज ये होता था, जो ये ब्रिज है ये 4 लाइन का ब्रिज बन रहा है। तो काफ़ी टाइम लग चुका है, 3 से 4 साल लग चुके हैं इस ब्रिज को बनाने में। लेकिन अभी आप काम देख सकते हैं, बहुत ज़ोरों से चल रहा है। और मैं इसकी फाइनल लुक आपको दिखा दूँ उसके बाद। जैसे कि ये NH-44 का ब्रिज है, ये आप देख सकते हैं, स्लैब तो पड़ चुकी हैं, लेकिन उसके बाद जो ये साइड्स का काम बचा है, जो इसके ऊपर पिलर टाइप बनाएंगे, ताकि आप देख सकते हैं कितना बढ़िया व्यू होने वाला है। व्यू इसलिए होने वाला है, यहाँ पे नीचे से दरिया भी जा रही है और ऊपर से जो एक ब्रिज रेडी हो चुका है। और आपको एक चीज़ मैं बता दूँ, जो ये ब्रिज है, ये जसवाल ब्रिज करके कुछ नाम ऐसे रखा है। और अभी आप देख सकते हैं, हम इस ब्रिज पे खड़े हैं, ये करोल में बन रहा है। और पुराना ब्रिज जो ये था, और ये सामने से रोड निकला अपना मात्रा की तरफ, जो जाता है रोड हाईवे। तो जैसे कि अभी आप देख सकते हैं, हम जसवाल ब्रिज में हैं और आपको हम दिखाते हैं कि अभी इस पुल को बनने में कितना वक्त लगेगा। गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये पिलर यहाँ पे एंड होते हैं और उसके बाद जो है ये फिल किया जाएगा। आप देख सकते हैं, कटिंग भी प्रॉपरली हो रही है, ताकि जो वाला ट्रैफिक है वो इधर से होते हुए ऐसे जाएगा। तो बस इसका थोड़ा सा ही काम बचा है, कुछ टाइम के बाद ये कंप्लीट हो जाएगा। आप देख सकते हैं, पिलर पड़ चुके हैं और उसके बाद कुछ 3 से 4 महीने का काम बचा, वो भी कम्प्लीट हो जाएगा। 3 से 4 महीने का काम बचा, वो भी कंप्लीट हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे अभी इसको भराई ये फिल करेंगे, यहाँ पे इसके बराबर में लाएंगे। उसके बाद जैसे कि जो ये रोड है, ये उधर से आते हुए इस ब्रिज से जाएगा। और लेकिन आप देख सकते हैं कि इस वक्त जो अभी हम हैं, ये आप इसकी फाइनल लुक देख सकते हैं। यहाँ पर अभी हमें एक चाचा मिला जो कहते हैं आपको अनुमति नहीं दी जाती आगे चलने की। तो मैंने कहा ठीक है, हमें किससे से क्या भेसबाजी करनी। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे अभी हम हैं खड़े और ये जो आप लुक देख सकते हैं, ये इस दरिया पर से होते हुए जो ये ब्रिज है, ये रेडी हो जाएगा। और जो ये है वो उस साइड से इस तरह से आएगा, जो ये ब्रिज है, ब्रिज से जो कनेक्टिविटी होते हुए इस हाईवे की जो कनेक्टिविटी है, वो जाएगी चंद्रकोट के तरफ। लेकिन आपको मैं फाइनली एक चीज़ मैं बता दूँ, मैक्सिमम कंप्लीट हो चुका, कुछ परसेंट का जो ये काम है बच चुका। बस 3 से 4 महीने के बाद जो ये ट्रैफिक है, यहाँ से स्टार्ट कर देंगे। लेकिन आप देख सकते हैं कि बहुत बढ़िया से जो काम है चल रहा है। और आप देख सकते हैं, ये सामने जो ब्रिज है, ये कंप्लीट हो चुका है। और कुछ टाइम के बाद जो इस ब्रिज से गाड़ियाँ भी चलना स्टार्ट हो जाएंगी। आप देख सकते हैं, नीचे से दरिया भी जा रही है। और इस ब्रिज के एक बेनिफिट ये भी होगा भाई, वो वाला ब्रिज पुराना हो चुका है और ये ब्रिज जैसा भी कुछ टाइम या एक दो मान के चलो 6 महीने, और 6 महीने के बाद जो ब्रिज ये रेडी हो जाएगा। आप देख सकते हैं किस तरह से क्या अच्छा व्यू आने वाला है इस दरिया के ऊपर से जो ब्रिज का है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगे, और इस वीडियो को इतना शेयर करना ताकि कि जो भी इस हाईवे से ट्रैवल करता उस इंसान तक पहुंचे। और आप देख सकते हैं, पिलर लग चुके हैं और इसके बाद जो फिलअप होगा उधर से इस तरफ से होगा। तो अभी मैं थोड़ा ऊपर जाऊंगा, ऊपर से भी आपको पूरी लुक दिखाऊंगा कि किस तरह से पुल लग रहा है। तो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं, जो ये रोड का काम लगा हुआ है, तो भाई आपको एक चीज़ मैं बता दूं, ऊपर वाला तो कंप्लीट हो गया, वैसे नीचे वाला कंप्लीट करते ही आगे जो सामने आपको वीडियोस में दिखाया था जसवाल ब्रिज, वहाँ के लिए रोड जाएगा। और आप देख सकते हैं, इसके ऊपर ब्लैक टॉपिंग होगी, पूरे इसको डालेंगे और उसके बाद जो है मैकडम पड़ेगा इसमें। और आप देख सकते हैं किस तरह से जो ये हाईवे की लुक है, बहुत जो अपने फिनिशिंग लुक देने के लिए रेडी हो चुके हैं। और आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो काम है वो लगा हुआ है। और आप देख सकते हैं भाई, हिंदी चला रहे हैं, जैसे लेवल बराबर कर रहे हैं। और उसके बाद जो है ब्लैक टॉप पड़ेगी। और आप देख सकते हैं कि अभी हम हैं करोल, और करोल के जो आपको पहले भी मैंने वीडियो में दिखाया था ब्रिज, और उसके बाद आप देख सकते हैं सामने भी एक ब्रिज का काम लगा हुआ है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, कुछ टाइम के बाद आप देखेंगे कि जो ऊपर वाला हाईवे और नीचे वाला हाईवे दोनों का काम कम्प्लीट हो जाएगा, और ऊपर और नीचे वाले हाईवे पर दोनों पर गाड़ियाँ चलेंगी। तो अपना अपना, जैसे कि अभी आप देख सकते हैं, ये एक ही हाईवे, इधर से गाड़ी आती भी जाती भी, लेकिन जब ये हाईवे तैयार हो जाएगा, यहीं से जो जम्मू से आएगी, इधर से नीचे वाले हाईवे से जाएगी, जहाँ पे अभी ये वर्क चल रहा है, और जो ये वाला रोड है जो कश्मीर से आएगी, वो इस हाईवे से जाएगी। भाई, जैसे कि आप अभी देख सकते हैं, जो जसवाल ब्रिज है, मैं अभी थोड़ा हाइट पे गया हूँ। हाइट पे मेरे जाने का रीज़न ये था कि आपको ऊपर से पूरे प्रॉपरली लुक देखने को मिले कि भाई ये जो पुल है कितने हाइट पे है। और आप देख सकते हैं, इसके नीचे से जो दरिया वो बहती हुई जा रही है,
तो अभी अभी देख सकते हो ये NH-44 वाला जसवाल ब्रिज है, और अभी बस आप देख सकते हैं थोड़ा सा मेरे को लगता है 10 मीटर का फ़र्क पड़ा, और 10 मीटर के फ़र्क के बाद जो है ये पुल है जो ये कंप्लीट हो जाएगा। और आप देख सकते हैं जो अभी जो उसके बाद जो पार्ला वाला रोड है, तो गाइस जैसे कि ये तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं बस थोड़ा सा स्ट्रेच बचा, और वीडियो में आपको क्लियर दिख रहा होगा जो ये तीन है और ये ऊपर से ऐसे मशीन की तरह इसको क्या बोलते हैं केपी जो आपस में इनको जुड़ा रही और ज्वाइन करने के बाद एंगल है, और एंगल के बाद थोड़ा सा मुझे लगता है कि 10 मीटर का फर्क है ना इसको। उसके बाद आप देख सकते हो जो है जो ट्रैफिक है जो मैत्रा से होते हुए जा रही है, लेकिन उसके बाद जो है ये मैत्रा से जो जा रहा है इस पाले रोड ये चंद्रकोट नहीं, ये जाता है संगलदान सुमड़, जो रेलवे का वर्क चल रहा है इसी रोड से होते हुए गाड़ियां जाती है। और अभी जैसे कि आप देख सकते हो इस ब्रिज का थोड़ा ही काम बचा, और ये ब्रिज जल्दी ही आपको कंप्लीट देखने को मिल जाएगा, लेकिन अभी इसका जो साइड का ये बनाना है जो साइड वाला होता है हाइट पिलर टाइप में बनाने हैं। अभी जैसे कि आप देख सकते हैं शटरिंग तो बंद ही गई है, अभी कंप्लीट होना है, और उसके बाद आप देखेंगे कि ये काम पूरा कंप्लीट हो जाएगा, और कुछ टाइम के बाद जो यहाँ से गाड़ियाँ आपको दिखेंगी दौड़ती हुई। लेकिन अभी आप देख सकते हैं कि कुछ टाइम और लगेगा, क्योंकि गैमन इंडिया का काम है काफ़ी स्लो चल रहा है, ये 4 से 5 साल तो इस ब्रिज को हो रहे हैं जब ये काम स्टार्ट हुआ था गैमन इंडिया का। लेकिन अभी आप देख सकते हैं कि काम तो चल रहा है, लेकिन अभी वक्त लगेगा इसको बनने में। तो इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करता हूँ, आई होप ये आपको अच्छा लगे और शेयर करना।